एम्बिशन मीन्स वॉर, एम्बिशन मीन्स वॉर, एंड वॉर कैनॉट बी फॉट बाय अ वीक माइंड. वॉर कैनॉट बी फॉट बाय अ वीक माइंड. वीक, अगर तुम्हारा दिमाग कमजोर है, मैं पढ़ ही नहीं पाता हूं, तो किताबें जला लो. क्यों? जला के पानी में मिला लो और पी जाओ. ये तो कर सकते हो आप. उल्टे सीधे से उल्टा, जब तुम्हें पता है कि पढ़ना है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं. कुछ काम जब तुम करते हो तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं. तो इस एग्जामिनेशन की भी रिक्वायरमेंट है पढ़ना ना. वो तो क्वेश्चन ही नहीं हो सकता कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं. तुम कह रहे हो मैं क्रिकेटर हूं, मैंने कहा बैट उठाओ, बोले मैं बैट नहीं पकड़ पाऊंगा. कितने घंटे बैठ के पढ़ूं? 50 घंटे. जब मूवी देखते हो और अगर मजा आ रहा है मूवी में तो बैठे रहते हो ना 3 घंटे, और 3 घंटे के बाद दुखी होते हो कि मूवी खत्म क्यों हो गई यार. कभी कभी तो रिवाइंड करते हो, फिर से देखते हो. वो चीज किताबों में क्यों नहीं पैदा हो रही? क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है. तुम जबरदस्ती कर रहे हो, फोर्सफुली कर रहे हो. इसलिए तो मैरिज फेल हो जाती है, अफेयर फेल नहीं होते. नो, अफेयर फेल नहीं होते. और मरते दम तक आदमी करना चाहता है. मतलब मैंने एक आदमी को पढ़ा, आई वॉज सो मच सरप्राइज टू हियर हिज वर्ड्स. तुमने उस आदमी का नाम जरूर सुना होगा, खुशवंत सिंह, सरदार खुशवंत सिंह. यू नो व्हाट हिज लास्ट विश वाज? मतलब वेरी डेयरिंग मैन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. उन सब बातों को बोलना ही बड़ी बात होती है. हिज लास्ट विश वाज, उनकी बेटी है वंदना शायद, उन्होंने तो उन्होंने लिखा उनकी किताब में, उन्होंने किताब लिखी है वुमन लस्ट एंड सम मिस्चिफ. तो उसमें उन्होंने अपने विश के बारे में लिखा है. तो उन्होंने अपनी बेटी से बोला था कि मेरी लास्ट विश यह है कि मुझे जलाना मत, मुझे दफनाना, और किसी लेडी की कब्र के बगल में दफनाना. सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, इसके आगे भी है कि मुझे लेडी की कब्र के बगल में दफनाना. यंग होनी चाहिए, ब्यूटीफुल, और मेरी कब्र में स्कॉच की बोतलें रख देना, और हर एक महीने पे चेक कर लेना खत्म तो नहीं हुई. क्या डेयरिंग आदमी रहा होगा. लोग डर में भगवान को याद करते हैं. सबसे ज्यादा भगवान को लोग कहां याद करते हैं? हॉस्पिटल में. और जो आदमी मरते वक्त इस तरह की विल रखता हो वो कितना डेयरिंग आदमी रहा होगा. एट द एज ऑफ 98, योर एज इज 22, योर एज इज 20, यार और जहां मैंने कहा ना तुमने गलती कर दी, तुमने एम्बिशन पाल लिया, छोड़ दो. वो भी तुम करने को तैयार नहीं हो. सर मेरा नहीं होगा, नहीं होगा तो इलेक्शन लड़ जाना, सी पायलट का ऑप्शन तो हमेशा खुला हुआ है. नहीं नहीं सर, प्रवचन करना, बाबा रामदेव मर जाएंगे 10 साल के बाद, फिर तुम करना.
दिस वर्ल्ड इज इल्यूजन, दिस वेल्थ वुमन इल्यूजन, गिव इट टू मी. एक अरब 50 करोड़ लोग इस देश में है, 70% का दिमाग मरा हुआ है, उन्हें कुछ पहना दिया करना है अभी जब. वेरी वेरी इंप्रेसिव. और 10-12 लोग हायर कर लेना टॉप ब्रास. कि जब बाबा जी ने मुझे पढ़ाया पहनाया उसी साल मेरा आईएएस में सिलेक्शन हुआ, उनको भी देना थोड़ा सा हिस्सा. 50-60 करोड़ कमाओगे ना, उसमें दे देना 5-5 करोड़ रुपए इनको भी. ले अगली बार ज्यादा बोलना जी. एम्बिशन एंड मेंटल वीकनेस, सुसाइडल. क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये यहां बैठी है तो जो तुम फेस कर रहे हो वो नहीं किया होगा. सब किया, सब वही डर हम सब फेस करते हैं. हम सब अर्जुन ही तो हैं. जब भी जैसे महाभारत वॉर में पहुंचते हैं तो हम तुरंत, हम सबके साथ वही होता है जो अर्जुन के साथ हुआ ना, वो हम सबके साथ होता है. एग्जैक्टली सेम चीज होती है, एक सेम. कोई नहीं कह सकता अरे मैं तो कभी डरा ही नहीं. अच्छा, कोई नहीं कह सकता. हां, तुम डरे लेकिन तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा चीज थी. यू आर एबल टू स्मार्टली हैंडल इट. डरा तो स्नेक देख के कौन नहीं डरेगा, सभी डरेंगे. लेकिन एक स्मार्ट माइंड है, वो तुरंत अवेयर माइंड है, उसे तुरंत कैलकुलेट कर लिया कि इसको हैंडल कैसे करना है.